मेरी टीम मौजूद है सफेदों की नहर पटरी पर। आप यहाँ देख सकते हैं एक नंदी जो है, यहाँ जो गंदा नाला है सब्जी मंडी की बैक साइड में, बिल्कुल रेस्ट हाउस के बैक साइड में, यहाँ एक नंदी नाले में गिर गया है, जिसे गौरक्षा दल के सदस्य और सफेदों पुलिसकर्मी बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, यह नंदी है जो इस गंदे नाले में गिर चुका है, और यहाँ गौरक्षा दल सफेदों के जो निकाल रहे हैं, कोशिश की जा रही है निकालने की, निकाल रहे हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद है, यहाँ देख सकते हैं नंदी जो है गंदे नाले में गिरा है, और यहाँ गौरक्षा दल के सदस्य दीपक चौहान के नेतृत्व में जो दिन रात गौ सेवा में लगे हैं, पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद है, पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं यहाँ पे निकालने को लेकर, ताकि नंदी की जान बचाई जा सके। यहाँ पुलिस कर्मचारी मौजूद है, यहाँ देख सकते हैं आप, निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि इसकी जान को बचाया जा सके। यहाँ सफेदों पुलिसकर्मी मौजूद हैं, यहाँ काफी यहाँ मशक्कत करनी पड़ रही है, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ गौरक्षा दल के सदस्यों को और पुलिसकर्मियों को जो लगे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं साफ तौर पर ये जो नंदी है गंदे नाले में गिरा है, कोशिश किया पूरी निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इनको, यहाँ काफी संख्या, और यहाँ पुलिसकर्मी भी मौजूद है जो लगे हुए हैं निकालने को लेकर। नंदी है जो गंदे नाले में गिरा है, काफी प्रयास किया जा रहा है निकालने का। यहाँ गौरक्षा के जो सदस्य हैं अपनी जान पर खेल कर इस नंदी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नीचे नाले में उतरा है एक युवक, अभी नाले में एक युवक उतरा है, आप देख सकते हैं यहाँ नंदी को बचाने का पूरा प्रयास किया, अपनी जान पर खेल कर यहाँ गौरक्षा दल के जो सदस्य हैं दीपक चौहान के नेतृत्व में इस नंदी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। खोल गोभी ने खोल, आप देख सकते पानी में जो चेहर गंदे नाले का जो पानी है वहाँ गिरा है, ये काफी खतरा मोल लेकर गौरक्षा दल के सदस्य से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, काफी मशक्कत इन्हें करनी पड़ रही है। क्या वो भी डीला छोड़ दे रहे थोड़ा बहुत, कुछ नहीं ना खोल ले, देख सारा फिर बांध दिए, खोल ले खोल ले, काफी देखिए मेहनत करनी पड़ी, बहुत खोल दे सारा, खोल दे भाई कोई दिक्कत नहीं, सारा खोल दे। भी एक और आऊंगे, गंदे पानी में उतरे हुए हैं गौरक्षा दल के सदस्य, नहीं अभी चल रहा पैंट काट दे एक जना और कूद जाओ भी आज या खींच के, यह जानते हैं गौरक्षा दल के जो दीपक चौहान हमारे साथ, दीपक कैसे ये नंदी यहाँ नाले में गिरा है? देखिए ये आज की घटना नहीं है, ये हफ्ते में लगभग 2-3 केस हमारे पास आते ही आते हैं, तो हम तो नगर पालिका से अपील कर रहे हैं भाई इसको जल्द से जल्द इसको डकवाया जाए, क्योंकि इनकी कई बार जान भी जा चुकी है नाले में पड़ के, और आप देख रहे हो कितनी कड़ी मशक्कत, 15 से 20 बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, और पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है साथ, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ये भी लगे हुए, सभी लगे हुए, आप भी साथ दे रहे हो हमारा, तो ये रोजाना के केस हो गए हैं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या आप प्रशासन से क्या मांग करोगे जब इस तरह घटनाएं हो रही है, बेजुबान जानवर है बिन मौत मारे जा रहे हैं? ये प्रशासन से और नगर पालिका से ये ही अपील है हमें, इन जो खुले बड़े बड़े गंदे नाले पड़े इनको डकवाया जाए, ताकि बेजुबान इन पर नंदियों की जान ना, अन्य भी जो पशु ये देखो बेजुबान है इनको तो पता नहीं है, बिल्कुल कई बार लड़ते भी ऐसा होता है, वो ये गिर जाते हैं,
पुलिस प्रशासन का कैसा सहयोग मिल रहा है? पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है, लगे हुए साथ। जी बिल्कुल हमारे साथ ही खड़े हैं और खुद प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, रस्से खुद खींच रहे हैं। यह देखा था अभी आपने दीपक चौहान है जो गोरक्षा दिन रात गोरक्षा में लगे हुए हैं, कुछ नहीं सूझ रहा है, सब कुछ भूल कर गोरक्षा में लगे हुए इस लॉकडाउन के दौरान। और यहाँ सफीदों पुलिसकर्मी भी इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। यह काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है इस नंदी को लेकर। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये पता लगा इसका नंदी का, क्या कहना चाहेंगे आप कैसे सूचना मिली सर? हमें सूचना मिली थाना में सूचना मिलते ही हमने गो रक्षक दल मौके पर मिला, हमें पहुंचे, हमने इसका रस्से रुस्से का प्रबंध किया। अभी जैसी भी आने लग रही है गौ ज्यादा गहरा गड्ढा है, निकल नहीं रही, नंदी बैल है। अभी देखा था काफी प्रयास कर काफी रहे थे, प्रयास किया लेकिन भी नहीं साथ लगे हुए थे और ये गोरक्षा के दल के जो सदस्य ये भी लगे हुए थे, काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। तो क्या लगता है निकाल पाएंगे इसे? हाँ मशक्कत से निकल जाएगा। गोरक्षा दल का बहुत ही ज्यादा अच्छा सहयोग इस समय पुलिस प्रशासन को बहुत अच्छा सहयोग दे रहा है, ऐसा सहयोग दल हमें कभी नहीं मिला। यहाँ देख सकते हैं पुलिस भी गोरक्षा दल के सदस्यों की तारीफ कर रही है कि बोल लेकिन बहुत प्रयास कर रहे हैं ये। और ये नंदी है जो गहरा नाले गंदा नाला है, दीपक चौहान ने हमें बताया कि प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि इस नाले को ढका जाए ताकि बेजुबान पशुओं की, नंदियों की, यहाँ अन्य कई छोटे पशु भी गिर जाते हैं जैसे उनकी जान को यहाँ जान, इन्होंने कहा कि जा भी सकते, कई बार जान गई है कई पशुओं की यहाँ गिरने के बाद। तो ये नंदी है देख सकते हैं आप, पूरा प्रयास इसे बचाने का किया जा रहा है और काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं लोग, खुद भी गंदे पानी में, गंदे नाले के पानी में उतरे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर ताकि किसी न किसी तरह से इस नंदी की जान को बचाया जा सके। अभी देखते हैं भाई जेसीबी को भी कॉल की गई है कि जेसीबी वाले आए और ये मुंह उठा ले, पूरा प्रयास किया जा रहा है यहाँ से निकालने का। बल्लियों के सहारे निकाला जा रहा है और निकालने में कामयाबी मिल गई है। बल्लियों के सहारे निकाल लिया गया है, कामयाबी मिली है निकालने के, नंदी को निकाल लिया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप सभी यहाँ लगे हुए हैं, कामयाबी मिल चुकी है। यहाँ देख सकते हैं पुलिस कर्मी भी मौजूद है और बल्लियों के सहारे इस नंदी को यहाँ निकाल लिया गया है, यहाँ निकाल लिया गया है। बड़ी काफी मुशक्कत करनी पड़ी इस नंदी की जान बचाने को लेकर पुलिसकर्मियों द्वारा, गोरक्षा दल द्वारा, दीपक चौहान है उनके नेतृत्व में, काफी 30-40 गोरक्षा दल के सदस्य यहां मौजूद हैं और निकाल लिया गया इस नंदी को यहां से। अब देखना होगा, बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी इन्हें इस नंदी को निकालने के लिए। ये गोरक्षा दल के सदस्य से अपनी जान पर खेल कर इस नंदी को यहां बचाया है। यहां देख सकते हैं आप रस्सों द्वारा और बल्लियों के सहारे द्वारा यहाँ देख सकते हैं बल्लियों और रस्सों के मदद से यहाँ इस नंदी को निकाला गया है। अभी लगता है बेहोशी की हालत में है नंदी। दीपक जी कैसी स्थिति है नंदी की? ये ठीक है जी, थोड़ा हाँ काफी समय से पड़ा हुआ था, इस मारे थोड़ा हाँ रिलैक्स होएगा बाहर निकलने के बाद, काफी देर होगी पड़ा है ये, तो अभी थोड़ी देर में रिलैक्स हो गया, उठ जाएगा अपने। बाकी एक उल्टी जान बता ली इसकी, गंदे नाले से निकाल लिया, कैसी शांति मिल रही है? जी जी, देखो शांति तो किसी की जान बच जाती है, हम खुद इसी परिस्थिति में होते हैं तो अगर हमारी जान बच जाती है तो हमें कैसा फील होगा, वही फेल। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ काफी संख्या में लोग मौजूद है, रात का समय लगभग 8 बज चुकी है और यहाँ उठाया जा रहा है बल्लियों के सहारे। ये अपने आप यहाँ बचा लिया गया नंदी को सुरक्षित, आप देख सकते हैं अब जा रहा है ये, बच गई है जान इस नंदी की, यहाँ देख सकते हैं आप, ये वो नंदी है जो यहाँ नाले में गिर गया था, जिसे निकाला है गोरक्षा दल के सदस्यों ने और पुलिसकर्मियों ने। अभी काफी रिलीफ महसूस कर रहा है निकलने के बाद नाले में से, जान बच गई है इसकी, गोरक्षा दल के सदस्यों ने और पुलिसकर्मियों ने इस नंदी को निकाला गंदे नाले में से। अभी जैसा कि दीपक चौहान है जो गोरक्षा दल के यहाँ
काफी समय से लगे हुए हैं। यहाँ गौरक्षा दल की गाड़ी भी मौजूद है और यहाँ देख सकते हैं आप पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और काफ़ी भारी मशक्कत के बाद इस नंदी की इस नाले से निकालकर जान बचाई गई है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, यहाँ अपनी जान को खतरे में डालकर इन्होंने इस नंदी को निकाला है। यहाँ से देख सकते हैं आप भाई, आप इसको जो है नाले गंदे नाले बने हुए हैं, बार बार दीपक चौहान द्वारा प्रशासन से मांग की जा रही है कि नाले को ढका जाए ताकि इन नालों में बेजुबान पशुओं की जान ना जाए। बहुत ही गंदगी है, तो नगर पालिका से यही निवेदन है कि इन जो बड़े नाले हैं इनको ढकवाया जाए। यह देखा आपने पुलिस कर्मियों की मदद से और गोरक्षा दल के सदस्यों की मदद से निकाला गया है। सर नंदी की जान बच गई, नाले में से निकाल लिया गया। वर्षक प्रयास के दौरान जो गौशाला से उनकी मस्कत से गौ को जिंदा निकाल दिया। कैसा लगता है जब किसी बेजुबान पशु की जान बचती है, कैसा लगता है? इसमें हमारी ड्यूटी तो बनती है, नैतिकता का हर्ज भी है, लेकिन हमें बहुत ही एक अच्छापन महसूस होता है। वैसी सेवा का हमें मौका बार बार मिले नहीं, हमें अपनी ड्यूटी की साथ निभाना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ नंदी थे, नंदी जो नाले में गिर गया था और काफी मशक्कत के बाद इस नंदी को निकाल लिया गया है, जिसकी एक आत्मिक शांति मिली है इनको। गोरखा दल पुलिस कर्मियों को भी ये कहना है कि एक जान बचाना किसी का सबसे बड़ा धर्म है। तो बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, इस तरह की रिपोर्टिंग देख रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सफीदों क्षेत्र में आपको लगातार ये रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे कि किस तरह के यहाँ हालात है। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, सफीदों के नहर पुल की पटरी से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर।